जैसे कि इन लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में एक्सप्रेशन हम कन्वर्ट कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि वो किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है ड्यू टू दे आर स्पीड अप कैलकुलेशंस। एंड नाउ देर इज एन एल्गोरिथम जो आपको स्टैक टेबल के थ्रू, स्टैक के थ्रू आपको इनफिक्स अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको आपको जो है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। एक देर इज अ प्रोसीजर, क्या है कि फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो भी अपना इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है। सपोज सम एक्सप्रेशन इज देयर जो कि इनफिक्स में है तो आपको उसको लेफ्ट टू राइट आपको स्कैन करना है। ओके नाउ सेकेंड स्टेप इज हम इसको समझते हैं कि अगर स्कैंड कैरेक्टर एक ऑपरेंड है, ओके स्कैंड कैरेक्टर अगर वो ऑपरेंड है तो उसको जो फाइनल पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग है, ठीक है, जो आउटपुट आता जा रहा है उसमें अपेंड करते चलना है। सपोज देर आर टू ऑप्शन, सपोज एक ऑपरेंड है ए और एक ऑपरेटर है प्लस। अगर आपको ए मिलता है तो आपको उसे पोस्ट फिक्स जो स्ट्रिंग है उसमें आपको अपेंड करना है। अपेंड इन द सेंस फ्रॉम द लास्ट आपको अपेंड करना है, टॉप से अपेंड करना है, आपको पता है स्टैक के थ्रू, ठीक है। अगर ऑपरेंड नहीं मिलता तो उस केस में इफ का जो एल्स है वो ये पूरा थर्ड पार्ट, ठीक है। एल्स एल्स का फर्स्ट इफ जो है वो आपको 3.1 में मिल रहा है कि इफ यानी कि ऑपरेंड नहीं मिला तो आपको ऑपरेटर मिला। तो ऐसे केस में आप क्या करना है, चेक करना है इफ द प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ द स्कैंड ऑपरेटर, जो भी आ रहा है इनकमिंग ऑपरेटर है, आप लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटर आपको मिल रहा है उसका प्रेसिडेंस, समझ रहे हैं आप, वो ग्रेटर है देन द प्रेसिडेंस ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर इन द स्टैक, ठीक है। अगर प्रेसिडेंस ऑपरेटर आपके स्टैक में है जो ऑपरेटर है उसके प्रेसिडेंस से उसका ज़्यादा है तो आपको वो स्टैक में पुश करना है, या स्टैक एम्प्टी है तो पहले ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, या ये कोई भी ब्रैकेट लगा लीजिए और फिर उसको स्टैक में पुश करना है, प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो रिमेंबर। और स्टैक में हमेशा कहाँ से पुश होगा, राइट हैंड साइड से, लास्ट से। लेकिन सेकंड कंडीशन है कि अगर प्रेसिडेंस ज़्यादा नहीं है यानी कि बराबर है या कम है, क्लियर, तो आपको क्या करना है, सारे ऑपरेटर्स जितने हैं जो उससे बड़े हैं या बराबर हैं उस स्कैंड ऑपरेटर के वहां तक उनको पॉप आउट करना है, वहां तक उनको पॉप आउट करना है। और उसको पॉप आउट करने के बाद उनको पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में अटैच करना है, अपेंड करना है, और उसके बाद उस स्कैंड ऑपरेटर जिससे आपने कंपैरिजन किया उसको अब स्टैक में आपको पुश करना है, क्लियर। नाउ इफ द स्कैंड कैरेक्टर इज दिस दिस और दिस, इसको डायरेक्टली आप स्टैक में पुश कर देंगे, कोई भी ब्रैकेट आपको मिलता है तो आप डायरेक्टली उसको स्टैक में पुश कर देंगे। अगर नाउ इसका काउंटर पार्ट आपको मिलता है, ओपनिंग ब्रैकेट की बजाय आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर जो ऑपरेटर है उसको आप पॉप आउट करेंगे और उसको तब तक पॉप आउट आउटपुट करते रहेंगे तब तक कि आपको ये रेस्पेक्टिवली नया नहीं मिल जाता, या और जिसके कारण दोनों ही पैरेंथेसिस जो हैं वो पेयर जो है पैरेंथेसिस का या ब्रैकेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग का वो डिस्कार्ड ना हो जाए। और ये प्रोसेस आपको 2 to 6, ये वाली प्रोसेस आपको बार बार करनी है, बार बार करनी है जब तक कि आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है वो स्कैन होना ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद आपको जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उसको आप दिखा सकते हैं कि ये आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है और उसके बाद आप उस स्टैक को पॉप आउट कर सकते हैं। तो ये हमने एल्गोरिथम का ओवरव्यू किया। अभी हम एक इनफिक्स जो है एक्सप्रेशन लेंगे उसको उस तरीके से
आपको देखेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे और फिर उसमें ये एल्गोरिथम अप्लाई करते चले जाएंगे। सिंपली आपको ये प्रैक्टिस करना है। क्या है, टेबल में आपकी तीन चीज़ें बनेंगे। पहला स्कैंड सिंबल, आप जिसको बोल सकते हैं स्कैंड कैरेक्टर या सिंबल, ये आपका टेबल का पहला कॉलम। दूसरा कॉलम आपका स्टैक का पोजीशन या स्टैक, और तीसरा जो फाइनल आउटपुट है जिसे आप पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे छोटा कर देते हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आपका साथ ही साथ यहाँ पे बनता चला जाएगा और फाइनल वाला पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आपका बनेगा। बहुत सिंपल सा, पहले एक छोटा सा लेते हैं। आपका है ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी डिवाइड बाई ई, ठीक है। सिंपल सा ये एक है इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है या अप्लाई करके निकालना है। आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट आपको स्कैन करना है। लेफ्ट टू राइट, पहला कैरेक्टर आपके पास है ए, सिंपल। सबसे पहला काम आप स्टैक में एक ये भी पुश कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में। अब ए है, जैसा कि आपकी एल्गोरिथम कह रही है कि अगर ऑपरेंड मिलेगा तो आप डायरेक्टली उसको कहाँ ले जाएंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, आप उसको स्टैक में नहीं रखेंगे। तो आपने क्या किया, स्कैंड कैरेक्टर ए मिला, ये आपका यही रहा ब्रैकेट, और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो कुछ नहीं था पहले, मतलब नल था, इसीलिए इसको हटा देता हूँ, उसकी जगह आप क्या आ गया पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, ए। क्लियर। चलिए अगला स्कैंड कैरेक्टर क्या है बच्चा, प्लस, ये ब्रैकेट आपका ओपनिंग ब्रैकेट था ही, प्लस आपने किया। अब जैसा कि इन्होंने बताया है कि प्रिसिडेंस, अगर ऑपरेंड नहीं मिलता है तो ऑपरेटर मिलेगा, और ऑपरेटर में भी प्रिसिडेंस ऑर्डर देखेंगे। प्रिसिडेंस ऑर्डर तब देखेंगे जब आपका एक और ऑपरेटर होगा, नहीं है एम्प्टी है स्टैक या इस तरीके से चल रहा है तो आप सिंपली उसको स्टैक में पुश आउट कर देंगे। देखिए स्टैक में पुश कर देंगे, चलिए स्टैक में मैंने यहाँ पर पुश कर दिया, ये स्कैन हो चुका है यहाँ पर आ गया, ये स्कैन हो चुका है यहाँ पर आ गया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की आपकी यही रहे। अगला कैरेक्टर आपका स्कैन होता है बी। अब बी क्योंकि एक ऑपरेंड है तो वो सीधा आपका चला जाएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, यानी कि स्टैक आपका यही रहा ओपनिंग ब्रैकेट प्लस, और बी आपका अपेंड हो गया किसमें, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। रिमेंबर स्टैक में अपेंड ही यूज होगा, अपेंड इसका मतलब लास्ट से ही इनपुट होगा। चलिए माइनस, ठीक है माइनस। चलिए तो अब ए बी सी, ठीक है, तो बी के बाद आ गया माइनस, ये आ गया आपका प्लस और ऑपरेटर की जो प्रिसिडेंस है वो अगर बड़ी होती माइनस की प्लस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये इसी तरीके से रह सकते थे, लेकिन क्योंकि ये इस वाले पार्ट में चला गया, प्रिसिडेंस जो है कहाँ गए हम, प्रिसिडेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है, बराबर है इक्वल टू है, तो सारे ऑपरेटर्स को आप पॉप आउट कर देंगे और उस ऑपरेटर को आप उसमें रख देंगे। तो आप क्या करेंगे, किसको आप पॉप आउट करेंगे, जो इससे पहले है उसको आप पॉप आउट करके कहाँ भेज देंगे, इस तरीके से भेज देंगे। आपका यहाँ क्या रह गया, ये रह गया, ठीक है, इसको आप स्टैक में भेज दिया। अगला कैरेक्टर आपके पास आ रहा है सी। सी ये पोजीशन यही रही, ए बी प्लस जो भी है और फिर सी। ओके नाउ इसमें सी हो गया, इसके बाद आ रहा है आपके पास इंटू, इंटू आ रहा है। अब आप देखिए जैसे इंटू या मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो आपका स्टैक में जैसे ही ये एंट्री करेगा तो इस तरह की पोजीशन आपके पास बन जाएगी। अब ये जो पोजीशन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है, लो है, इसकी प्रायोरिटी हाई है। हाई टॉप पे हाई प्रायोरिटी का रह सकता है, इक्वल या लो प्रायोरिटी का नहीं रहेगा, तो इसमें हमें करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये एज इट इज
आपके पास अगला ये चल गया, अगला आपके पास आ रहा है डी, ठीक है। ये इसी तरीके से आगे कंटिन्यू किया, ए बी प्लस सी के बाद डी अपेंड हो गया। डी के बाद आ रहा है स्लैश, आई थिंक स्लैश है, देख लेता हूँ मैं, हाँ डी के बाद स्लैश और फिर ई है, ठीक है। तो क्या होगा, स्लैश है माइनस इनटू स्लैश। अब आपके पास जो केस बना वो ये केस बना कि ये दोनों का प्रेसिडेंस इक्वल है, ग्रेटर वाला केस नहीं है, इक्वल है या लेस देन है। तो ऐसे केस में आपने क्या किया, जो पॉप आउट करना है आपको वो किसको करेंगे, पीछे वाले को, उसको आपने पॉप आउट करके कहाँ भेज दिया, इनफिक्स एक्सप्रेशन में भेज दिया। तो ये क्या हो गया, ए बी प्लस सी डी और इनटू, ये इसकी पोजीशन क्या रहेगी, माइनस ये। अब इन दोनों में तो ये पोजीशन अच्छी है, इसकी ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हम रहने देते हैं। ई आपके पास आ गया ये ए बी प्लस सी डी इंटू ई, ओके। अब आपके पास स्ट्रिंग यहाँ पे फिनिश हो गई, स्ट्रिंग फिनिश हो गई, तो ऐसे में क्या करेंगे, अब यहाँ से जो बचे हुए हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में, जिस तरीके से रिवर्स स्ट्रिंग हमने सीखा था, रिवर्स ऑर्डर में इसको यहाँ पे शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो क्या आपके पास बन गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए बी प्लस सी डी इंटू ई, पहले क्या आएगा एस्ट्रिक, फिर ये आएगा माइनस, और क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से लगाया था तो बाद में हम मान सकते हैं कि ये हमने अपनी तरफ से लगाया दिया, तो ये आपस में क्लोज आउट हो गए। तो ये आपका फाइनल, आपकी स्क्रीन पर ये जो है जिसको मैं कह रहा हूँ, ये बन के आ गया, और इसको मैं उठा के ले जाता हूँ आपके यहाँ पर, जिससे कि आप देख पाएं कि इसके कंपैरिजन का क्या बन के आपके सामने आया। तो ये आपका इनफिक्स में हो गया, ये आपका इनफिक्स में हो गया, और ये उसका एक इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। समझ में आया बच्चा, बताएं मुझे, ठीक है ना। इसी तरीके का हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ताकि हमारी जो एल्गोरिथम है हम उसको जस्टिफाई कर सकें। इसमें देखिए हमने अपनी एल्गोरिथम को पूरी तरीके से जस्टिफाई किया, जो भी हमारी एल्गोरिथम थी उससे हमने इसको इजीली जस्टिफाई कर दिया। चलिए अब इसको हम क्लियर कर देते हैं, और एक कोई भी क्वेश्चन जो है इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ एल्गोरिथम को साइड से, और यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। हमें जो इनपुट मिला है क्वेश्चन के लिए, वो सपोज ब्रैकेट्स वाला मिला है, वो मिला है एक्स इंटू वाई माइनस ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट, सपोज टू टू द पावर डी इंटू थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, टाइप नहीं हो पाया, इंटू पी ब्रैकेट में माइनस क्यू ब्रैकेट ख़त्म प्लस आर ब्रैकेट ये भी ख़त्म और इंटू थ्री। तो इस तरीके का कोई एक एक्सप्रेशन हमने बना लिया जो कि इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में बदलना है। मैंने दो कांस्टेंट वैल्यू भी ले ली, कुछ वेरिएबल्स भी ले लिए, और जो है वो भी ले लिया। आपका काम है लेफ्ट टू राइट स्कैन, सबसे पहला काम आप लेफ्ट टू राइट स्कैन, आपकी जो टेबल है उसके कॉलम्स रहेंगे स्कैंड सिंबल या इनपुट, आपको बुक में आपके इनपुट मिलेगा, ठीक है। स्टैक स्टैक ले लिया, और लास्ट में आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो साथ ही साथ हम लोग जनरेट करते जा रहे हैं, ये मिल गया, ओके। अब मैं
सिंपली यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले कि क्या क्या इनपुट आएगा, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते चलते हैं। तो एक्स आया, अब एक्स सबसे पहले, सॉरी एक ख़त्म करता हूँ, सबसे पहले हमको मिला ये इनपुट, क्योंकि ये एक सिंबल है, इसको आप स्टैक में पुश करेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कुछ नहीं रहा। क्लियर, एक्स मिला आपको। एक्स मिलते ही आपने देखा कि ये ऑपरेंड है, ऑपरेंड को आप स्टैक में ना ऐड करके पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं, तो वो आपके यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपको मिला इनटू। अब इनटू क्योंकि स्टैक अभी एम्प्टी ही है, कोई ऑपरेटर उसमें नहीं है, तो आपने सीधा सीधा इनटू को इस यहाँ पर लिया है, और एक्स जो पोजिशन है वैसी ही रही। अब आपको मिल रहा है वाई। अब वाई क्योंकि एक ऑपरेंड है, और यहाँ पर स्टैक में भी अभी ऑपरेंड्स के बीच में, ऑपरेटर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए एक्स के बाद वाई को आपने यहाँ पर अपेंड कर दिया। अब आपको मिला ब्रैकेट। अब जैसे ही ब्रैकेट मिला, आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरीके की आ गई कि आपका एक सेट ऑफ पेयर कंप्लीट हो गया, क्लोजिंग हो गई। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, इसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको पॉप आउट करना ही पड़ेगा। जहाँ पर ये ब्रैकेट्स की क्लोजिंग कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पर आपका पहला स्टैक में ऑपरेटर आपका मिला एक्स वाई एस्ट्रिक। ओके, ये आपने यहाँ पर रख दिया। अगला आपको मिल रहा है माइनस, फिर ब्रैकेट और फिर टू, ठीक है, माइनस। अब ये जैसे ही ये पॉप आउट हो गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका स्टैक एम्प्टी है। तो अब मैंने क्या किया, उस माइनस को यहाँ स्टैक में ले आया, कोई नहीं है, माइनस अकेले रहेंगे यहाँ पर आराम से, एक्स वाई इंटू। चलिए इसके बाद है मेरे ख्याल से ब्रैकेट है या टू है, ब्रैकेट है, फिर टू है, फिर पावर है, ब्रैकेट टू है फिर पावर है, एक एक करके लिख लेते हैं। चलिए ब्रैकेट पे क्या होगा, माइनस के बाद आप ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई इंटू चलता रहेगा। इसके बाद टू, टू क्योंकि एक ऑपरेंड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई इंटू टू आपका यहाँ इस तरीके से आ गया। इसके बाद आ रहा है बच्चा पावर, पावर। अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो ऑपरेटर्स दो हो गए, तो ऐसे केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है, ये सेक्शन आपका अलग कर दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जा रहा है। अगर एक ही सेक्शन के अंदर दो ऑपरेटर आते, तब प्रॉब्लम होती या कंपेरिजन हमको करना पड़ता, तो यहाँ तो कंपेरिजन की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर कंपेयर करें भी, तो राइट हैंड साइड वाले की प्रायोरिटी हमारे पास ज़्यादा है, तो हमारे पास इस तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एज इट इज चलने दिया जो हमारे पास चलना है। चलिए टू के बाद हमारे पास अगले तीन पैरामीटर्स ले लेते हैं, डी इंटू ब्रैकेट पी, ठीक है, जो इनपुट आते जा रहे हैं, डी इंटू ब्रैकेट पी। चलिए तो डी क्योंकि एक ऑपरेंड है, माइनस ये लिया, ये आया एक्स वाई इंटू टू और डी। यहाँ पर टू एक अलग एंटिटी है, इसका डी के साथ कोई ऑपरेशन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, ये आप लोगों को क्लियरली समझना है, ठीक है, माइनस ब्रैकेट पावर इंटू। अब प्रॉब्लम अराइज हो गई, क्या हो गई, कि भाई पावर की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एस्ट्रिक, तो पावर क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। जब भी ऐसा लगे कि प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उनकी इज्जत पे बात आ जाती है, वो वहाँ कहते हैं हम लोग इनके साथ नहीं रहेंगे, ये हमसे नीचे प्रायोरिटी के हैं, नीचे प्रायोरिटी के हैं, तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे, तो वो निकल के कहाँ चले जाते हैं, स्टैक में, कुछ इस तरीके से आप समझ लें। तो एक्स वाई इंटू टू डी और पावर, आप देखें टू पावर डी था, वो इस तरीके से सॉल्व आउट हो रहा है। स्टैक की पोजीशन क्या बची बच्चा, माइनस और एस्ट्रिक और ब्रैकेट, ठीक है, ये जो बन के आ गया, सॉरी ये जो बन के आ गया, ये बन के आ गया माइनस ब्रैकेट एस्ट्रिक, ये हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये अलग सेक्शन है, इसको भी ऐसे नहीं करता, अलग सेक्शन बना देता हूँ कि आपके पास ये रह गया, ठीक है ना, इस तरीके से ये रह गया। नाउ अब आपके पास अगला है एस्ट्रिक, चलिए माइनस ये
वो ब्रैकेट था, इस तरीके से वो आगे ऐड हो गया, एक और सेक्शन बन गया, नो प्रॉब्लम। चलिए चलते जाइए, 2D यहाँ पावर आपके पास चलती जा रही है। आ गया पी, ये ऐसे ही रहा पी क्योंकि एक ऑपरेंड है, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई इंटू डी टू टू पावर पी आपके पास यहाँ आ गया एंड में। चलिए आगे के तीन या चार ऑपरेंड देख लेते हैं, उनको फिर लिख लेते हैं। माइनस क्यूब ब्रैकेट प्लस आर, माइनस क्यूब ब्रैकेट प्लस आर, ठीक है ना। आर ठीक है, चलिए ये आ गया माइनस आया, तो माइनस को आप सिंपली, क्योंकि सेक्शन अलग बना हुआ है। अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि माइनस की प्रायोरिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, लेकिन बीच में सेक्शन है, इसीलिए आपको इस पर डरने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज आप चलने दीजिए, जब तक कि आपको कोई इश्यू उस तरीके का नहीं आपको मिलता है। आ गया क्यू, ये सेम ही रहा स्टैक, जो पोजीशन है ये किस स्टैक में चला गया, 2D दिस पी के बाद क्यू। अब आपके पास आ गया ब्रैकेट क्लोज, तो आपके पास सिचुएशन आ गई ये वाली कि भैया इसको करो बंद, ठीक है। अब इस सेक्शन को बंद करेंगे, इसका मतलब इसको जाना पड़ेगा इधर, तो आपके पास एक्स वाई इंटू 2D दिस पी क्यू माइनस, और ये क्या रह गया, केवल इतना, ये ब्रैकेट क्लोज आउट हो गया, ब्रैकेट चला गया, तो वो पी क्यू माइनस उधर चला गया। अगला आया, अभी हमारी स्टैक पोजीशन क्या थी, ये प्लस इधर आ गया। अब प्लस इधर आ गया तो वही प्रॉब्लम फिर से अराइज हो गई, क्या कि प्लस की प्रायोरिटी कम है और इधर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये भी कूद के जाएगा किधर, स्टैक में पोस्ट फिक्स वाले में, ऑपरेटर वाले स्टैक से निकल के कहाँ जाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। चलिए क्या ऐड हो जाएगा, पीछे से ये जो भी निकल के जा रहे हैं वो पीछे से ऐड हो गए, ठीक है। अब आया आर आपके पास, यहाँ पोजीशन बची क्या, सॉरी ये यहाँ पर निकल के ये नहीं गया था, सॉरी आपके पास निकल के गया था एस्ट्रिक, ठीक है ना, यहाँ थोड़ी सी गलती मिस्टेक हो गई थी, प्लस यहीं रहेगा, ठीक है। तो प्लस आपका यहीं रहा, आर सीधे आपके कहाँ चला जाएगा, ऑपरेंड है तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में चला गया, पी क्यू माइनस एस्ट्रिक और ओके इस तरीके से ये आया। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कहता है, आर के बाद ब्रैकेट इंटू 3 है, चलिए ब्रैकेट क्लोज, तो माइनस प्लस दिस दिस वही इश्यू, क्या इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास आ गया एक्स वाई इंटू 2D पावर पी क्यू माइनस, जूम मत हो जाए कर फटाफट, माइनस एस्ट्रिक इंटू आर, और फिर क्या शिफ्ट हो गया, प्लस, ठीक है, प्लस इसमें ऐड हो गया, बचा केवल माइनस। इसके बाद है इंटू, तो माइनस के बाद इंटू ऐड हो गया, और फिर है 3, ये सेम रहा ठीक है, इंटू अब 3, अब क्योंकि 3 भी ऑपरेंड है तो कहाँ चला गया, माइनस इंटू आर प्लस 3। अब स्टैक में स्कैनिंग खत्म, तो अब आप क्या करेंगे, जो भी बचे हुए हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि टॉप से जाएंगे तो पहले जाएगा इंटू, तो आपका जो आएगा वो आ गया, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक्स वाई इंटू 2D टू पी क्यू माइनस इंटू आर प्लस 3, और पहले आएगा एस्ट्रिक और फिर आएगा माइनस, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है वो बन गया, उसका इंटेक्स एक्सप्रेशन, इसको हम उसके साथ ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, नहीं जाएगा और छोटा कर देता हूँ,
इससे क्या छुपा हुआ है? ये इसके साथ यहाँ पे लगा दिया, उसको कॉपी कर दिया, आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसका ही जो है आपका ग्रीन कलर में आपके सामने इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और रेड कलर में उसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसको एक बार आप चाहें तो इस तरीके से करने के बाद एक बार जो डायरेक्ट मेथड जो हमने लास्ट क्लास में देखा था उससे आप डायरेक्टली एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ हम लोग सही गए कि नहीं। देखिए एक्स इंटू वाई कलर वाइज देखना, मैं जो कलर यहाँ सेट कर रहा हूँ वो कलर यहाँ गया, सॉरी ये सेट हुआ। ओके ग्रीन तो यूज कर लिया, पर्पल से देखिए टू इंटू डी जो सेटअप था वो टू डी इंटू हो गया। ठीक है, P माइनस क्यू का जो सेटअप था वो P Q माइनस हो गया और इन दोनों का D था इंटू था, लेकिन इससे पहले P Q माइनस का ये सेट हो गया और इन दोनों का इंटू था तो इन दोनों का इंटू हो गया। फिर R के साथ पहले प्लस था तो पहले R के साथ प्लस हो गया और फिर ये क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ तो इसीलिए ये यहाँ तक पूरा सेटअप बन गया इतना, और फिर इंटू और माइनस में प्रायोरिटी इसकी थी तो इसीलिए पहले ये हो गया और फिर इसके साथ ये माइनस हो गया। एज इट इज आपकी आंखों के सामने पूरा का पूरा चला गया। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को सिंपली इस एल्गोरिथम को आप फॉलो करके जो है आप अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में इनफिक्स एक्सप्रेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बुक से इनफिक्स एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस निकालेंगे और उनको स्टैक टेबल के थ्रू जिसको हमने ये अभी आज सीखा इस एल्गोरिथम के थ्रू उनकी प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल मॉर्निंग से आपकी क्लासेस होंगे और मेरे ख्याल से 50 मिनट का वो क्लास रहेगा जिसमें हम सिलेबस काफ़ी तेज़ी से खींचेंगे। तो स्टैक में आज हम यहाँ फिनिश करते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटाबेस वाली यूनिट एंड देन वी विल स्टार्ट विद डेटाबेस, देन वी विल मूव ऑन।